पार्ट फोर है ये आपका, जो हम लोग लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी का, ये आज आपका पार्ट फोर है। और इस पर हम लोग पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड में हम लोग लैंड के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर वेज के बारे में। ये भी हम लोग एक वाटर वेज ट्रांसपोर्ट है, जो कि हम लोग दूसरा देश से फॉरेन गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने का सुविधा है। और हम लोग का बहुत लार्ज नंबर ऑफ में अगर फॉरेन गुड्स का जो भी प्रोडक्ट रहता है वो हम लोग का पोर्ट के थ्रू आता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग का टोटल ट्रेड अगर इंडिया अगर फॉरेन कंट्री से करता है तो मान लीजिए अगर 95% करता है, अगर विदेशी सामान को अगर 95% मंगाता है तो उसमें से हम लोग का 68% वो थ्रू सी के थ्रू मंगाता है, समुद्र के रास्ते से 68% मंगाता है। मतलब कि 50% से भी ज्यादा अपना जो व्यापार करता है वो हमारा समुद्र के रास्ते से करता है। तो चलिए हम लोग का देखा जाए, हम लोग का देखा जाए कि इंडिया जो हम लोग कहां से कहां तक फैला हुआ है समुद्र का। अगर इंडिया को देखा जाए तो हम लोग का तीन वाटर वेज वाटर बॉडीज के थ्रू सटा हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं ईस्ट की तरफ, ईस्ट मीन्स जिधर हम लोग का वेस्ट बंगाल ये सब रहता है, उधर हम लोग का बे ऑफ बंगाल है। अगर वेस्ट की तरफ देखते हैं जैसे मुंबई, गुजरात, अगर इधर रहता है तो हम लोग का अरेबियन सी है। अगर साउथ की तरफ देखते हैं तो कौन सा है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, जो हमारा हिंद महासागर हमारे देश के नाम पर ही है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इनलैंड नेविगेशन कितना है हम लोग का, मतलब कि हम लोग का जो ये दायरा है भारत का वो कितना किलोमीटर तक है। अगर हम लोग का इनलैंड नेविगेशन देखा जाए कि भारत सरकार हम लोग कहां तक नेविगेट कर सकता है, वो टोटल 14,500 किलोमीटर लेंथ तक वो हम लोग क्या कर सकता है, नेविगेट कर सकता है, वो पूरा देखभाल कर सकता है। हम लोग का ईस्ट वेस्ट सारे तरफ हम लोग 14,500 किलोमीटर तक वो देखभाल कर सकता है। अगर हम लोग का नेविगेबल बाय मैकेनिस्ट बोट, मतलब कि हम लोग का जो बोट के थ्रू कितना दूर तक हम लोग का नेविगेट कर सकता है, मशीन बोट जो जाते हैं जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले रहते हैं, वो छोटे मोटे बोट 3,700 किलोमीटर तक वो नेविगेट करते होंगे। आप लोग जरूर टीवी पे देखते होंगे कि जो भी आर्मी फोर्स रहते हैं वो अपना बोट्स मैकेनिस्ट बोट के थ्रू 3,700 किलोमीटर तक वो ट्रेवल करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हम लोग का, जिस तरह आप लोग नेशनल हाईवे सुने होंगे, हम लोग का इंडिया में नेशनल हाईवे NH1, NH2, NH3 है, उसी तरह हम लोग भी वाटर वेज में भी हम लोग का नेशनल वाटर वेज होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, नेशनल वाटर वेज 1, 2, 3, नेशनल वाटर वेज 1, 2, 3। अब हम लोग का इंडिया में भी नेशनल वाटर वेज है तो हम देखते हैं नेशनल, सॉरी यहाँ पर एच लिखी है, नेशनल हाईवे लिखी है, वाटर वेज लिखना था NW, मतलब जहां पर भी आपका लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे वो नेशनल वाटर वेज है। हम लोग का नेशनल वाटर वेज 1, नेशनल वाटर वेज 1 कहां से कहां तक है, अलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक है, अलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक है। और ये हम लोग का कौन सा रिवर पर है, गंगा रिवर पर है। याद रखिएगा अलाहाबाद से हल्दिया तक ये कहां पर है, गंगा रिवर पर है ना। अब हम लोग का नेक्स्ट है नेशनल वाटर वेज 2, नेशनल वाटर वेज 2 ये हम लोग का कहां तक है, सिद्धिया एंड दुर्बी तक है। और ये हम लोग का ये रिवर हम लोग सॉरी ये हम लोग का कहां पर पाया जाता है, हम लोग का साउथ की तरफ पाया जाता है। अब एक और एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं, नेशनल वाटर वेज 3 ये आप लोग को फाइंड करना है कि हम लोग का नेशनल वाटर वेज 3 कहां पर है, ये आप लोगों को फाइंड करना और आप लोगों को बताना है कि नेशनल वाटर वेज 3 हम लोग का इंडिया में कहां पर कहां से कहां तक है। और आप लोग बुक्स पर देखिएगा एनसीईआरटी बुक्स का ज्योग्राफी में आपका नेशनल वाटर वेज 1, नेशनल वाटर वेज 2, नेशनल वाटर वेज 3 होता है। अब एक और हम बताते हैं कि हम लोग का मेजर सी पोर्ट, हम लोग का भारत में हम लोग का सी पोर्ट भी होता है, बंदरगाह भी होता है, तो हम लोग का भारत में तो बंदरगाह होता ही है। अब हम लोग का कहां कहां पर होता है, अगर हम लोग वेस्ट बंगाल में देखें या फिर हम लोग गुजरात में देखें या फिर हम लोग महाराष्ट्र में देखें या कहीं पर भी देखें तो हम लोग का एक बंदरगाह होता है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया में हम लोग का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर है, महाराष्ट्र में, वो आप लोगों को बंदरगाह पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से है उनका महाराष्ट्र में सबसे बड़ा बंदरगाह है। हाँ अब देखिए अब हम लोग पोर्ट के बारे में बता देखिए भारत में कहाँ कहाँ पर है कि हम लोग का टोटल कितना पोर्ट है, ज्यादा तो नहीं, हम कुछ कुछ पोर्ट के इंपॉर्टेंट पोर्ट जो हम लोग का इंडिया में है उसके बारे में बताएंगे।
ना सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग का टोटल टोटल बंदरगाह भारत में कितना है, 12 मेजर, मतलब कि 12 मेजर क्यों है, मेजर मतलब आप लोगों को पता होगा कि बहुत बड़ा स्पेस में हम लोग का पोर्ट होता है जहां पर बहुत ज्यादा सामान को लगाया जाता है, मंगवाया जाता है। जैसे ये पोर्ट में क्या होता है कि हम लोग इंटरनेशनल पर शेयर करता है। अगर किसी को अगर किसी को देखा जाए कि अगर हमको आयरन और स्टील या कुछ भी अगर हमको भेजना हो तो हम लोग इसका ही यूज करेंगे, मेजर पोर्ट्स का ही यूज करेंगे, माइनर का यूज नहीं करेंगे। ये टोटल अगर इंडिया में हम लोग का टोटल 12 मेजर पोर्ट है जो हम लोग का इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल ट्रेड देता है। और हम लोग अगर छोटा मोटा पोर्ट देखा जाए तो हम लोग का टोटल इंडिया में 181 पोर्ट है जो हम लोग उसको मीडियम भी बोल सकते हैं, नहीं तो माइनर भी बोल सकते हैं। मीडियम और माइनर मतलब बिल्कुल छोटा भी बोल सकते हैं और बीच में भी बोल सकते हैं, ये टोटल इंडिया में है। नाउ अगर हम लोग का सबसे ज्यादा, आप लोगों को पहले ही बताया थे कि हम लोग का इंडिया में अगर लेट्स माना जाए कि 95% है, तो हम लोग का ये भी माना जाता है कि 95% जितना भी हम लोग का जो भी ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो हम लोग का समुद्र के रास्ते से वाटर वेज के थ्रू बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहला पोर्ट हम लोगों का कब हुआ था। ये हम लोग का इंडिया में सबसे पहला पोर्ट चांदना जो मुंबई में था वो आपका टाइगर पोर्ट्स में था। और एक और बताते हैं कि ये हम लोग का भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन से पहले ही बना था, इट्स मींस दैट कि हम लोग का ब्रिटिश के शासनकाल में ही बना था जब हमारा भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। ना अब यहाँ देखिए कि भारत में सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, जो आप लोग को पहले बता दें सबसे बड़ा पोर्ट हम लोग का मुंबई में है, वो भी हम लोग का पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो आप लोग इस पर जरूर बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, कौन थे, वो हमारे देश के सबसे पहले प्रथम में क्या थे, वो जरूर कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग वाटरवेज के बाद हम लोग अब इसका तो हम लोग वाटरवेज का तो कम्प्लीट हो गया, अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एयरवेज। अब हम लोग का ये लास्ट टॉपिक है, ये हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। फिर इसके बाद इसी में लाइफ एंड ऑफ नेशनल इकोनॉमिक में भी कम्युनिकेशन के बारे में आएगा, वो भी बताएंगे। लेकिन हम लोग का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम लोग का व्यापार कैसे कैसे करते हैं, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है एयरवेज। एयरवेज आप लोग को पता होगा कि हम लोग का जो हम लोग हवा के थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रेवल करते थे ना। एयरवेज अगर आप लोग अगर हवाई जहाज से अगर घूमता फिरता तो उसको अपने अंदर प्रेस्टीजियस फील होता है, प्रेस्टीजियस मतलब कि अपने आप गर्व फील होता है कि नहीं हम आज हवाई जहाज से घूमे। और ये भी हम लोग का इसके साथ है कि ये फास्टेस्ट भी है मतलब कि बहुत जल्दी ये एक जगह से दूसरे जगह तक ये जा सकता है। और उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल भी है, ये कंफर्टेबल भी फील होता है। और एक साथ ये क्या है, एक्सपेंसिबल भी है, ये बहुत ही महंगा है ना। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का एयरवेज क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग का हर जगह एयरवेज इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बात बताते हैं, एयरवेज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर कहीं पर बाढ़ आता है या आपदा आता है या सुखाड़ आता है या सुनामी आता है या फ्लड आता है या कुछ भी आता है, किसी तरह का भी नेचुरल डिजास्टर या ह्यूमन डिजास्टर आता है, तो वहां तक हम लोग को सुविधा, वहां तक हम लोग को खाना या कुछ भी पहुंचाने के लिए हम लोग एयरवेज का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जरूर देखते होंगे कि अगर बाढ़ या कुछ भी अगर आता होगा तो हम लोग का सामान को एक जगह दूसरी जगह लोगों तक कैसे हम लोग पहुंचाया जा सकता है, वो हम लोग एयरवेज के थ्रू इससे हम लोग की हेल्प करते हैं। अगर कहीं पर जंगल में आग लग गया या कहीं पर भी कुछ हो गया, हाल फिलहाल में आप लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जंगलों पे आग लग गया था, वहां पर पानी कहां से दिया जाता है, वो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू वहां पर पानी दिया जाता था, वहां पर सारे को पानी, वहां पर आग को बुझाने का ये काम किया जा रहा था ना। अब हम लोग तो देखते हैं कि हम लोग का एयरवेज इंडिया में नेशनलाइज कब हुआ था, मतलब कि हम लोग का ये मान्यता गवर्नमेंट इसको कब दिया गया था एयरवेज को, हम लोग का ये एयर ट्रांसपोर्ट को हम लोग का नेशनलाइज भारत में 1953 पे किया गया था, जो हम लोग फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्हीं के नाम पर, याद है ना आप लोगों को कि उन्हीं के नाम पर हम लोग का मुंबई में भी क्या है, बंदरगाह है, पोर्ट है, हम लोग का उन्हीं का नाम पर, हम लोग का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर हम लोग का ये पोर्ट भी है। और हम लोग का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हम लोग का एयर सर्विस को नेशनलाइज किया था 1953 में। अब यहां पर
हर देश का अपना एक होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स मतलब क्या होता है, जो हम लोग का एक ही कंट्री में वो अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स पर ट्रेवल करेंगे, उसी वो फ्लाइट जो ट्रेवल करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक बोलेंगे। जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है, जो डोमेस्टिकली वो आपका एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट। नाउ नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या होता है, जो हम लोग का जो फ्लाइट जो है हम लोग का वो स्टेट टू स्टेट नहीं, वो कंट्री टू कंट्री जाता है। जैसे अगर हमको इंडिया से अगर हमको इंग्लैंड जाना है, इंडिया से अगर हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो हम लोग डोमेस्टिक फ्लाइट को यूज नहीं करेंगे, हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट को यूज करेंगे। अब यहां तक देखिए, अब आप लोग का एक वर्ड देते हैं कि आप लोग फाइंड आउट कीजिए कि हम लोग का इंडिया में कौन कौन सा डोमेस्टिक फ्लाइट है और इंडिया में कौन कौन सा इंटरनेशनल फ्लाइट है, और प्लस में उसका भी नाम बताना है कि इंडिया में कहां कहां पर हम लोग का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और कहां कहां पर हम लोग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जैसे हम झारखंड, झारखंड में आप लोगों को बताइए कि बिरसा मुंडा डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये पता है ना कहां पर है, हमारा रांची में है, वो हमारा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, वो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। अब ये तो यहाँ पर तो एयरबेस टॉपिक खत्म हो चुका है, और लास्ट में आप लोगों का ये काम होता है कि आप लोग लाइक कमेंट, कमेंट में क्या लिखना है, पीएस इट्स मींस प्रेजेंट सर, हम लोग को तब ना पता चलेगा कि आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और पहले वीडियो में देख रहे हैं कि बहुत सारे क्लास टेंथ के स्टूडेंट वहां पर प्रेजेंट सर लिख रहे हैं, प्लीज आप लोग को हम बोलते हैं कि प्रेजेंट सर लिखिए, तब हम लोग को पता चलेगा कि नहीं आप लोग अटेंटिव है और एक्टिव भी हैं। इसलिए लाइक कमेंट और शेयर आप लोग जरूर कीजिए। ओके।